बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपने पहले वाला व्लॉग देखा होगा कि हम सदियों हो चुके हैं, हम चले हुए हैं घर से नारायण कागान पहुँचने के लिए, और अभी तक नारायण कागान नहीं पहुँचे। और अभी फ़िलहाल हम बालाकोट में ही हैं। रात को उधर डिनर करने के बाद इधर आ गए थे, साथ ही एक होटल है, तो बड़ी सुकून की नींद आई काफ़ी थकन के बाद, चलने के बाद। अभी पहाड़ी पहाड़ है मेरे चारों तरफ, मैं आपको लोगों को एक तरफ दिखा देता हूँ। ये सामने देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़, इधर से सनराइज हो रहा है। ये देखिए वो ऊपर, क्या बात है यार। नहाना मैंने अभी है, जितने भी लड़कियां हैं सब लोगों ने नहा लिया है, लेकिन अभी मैं सिर्फ व्लॉग बनाने के चक्कर में इधर नहीं ऊपर आ गया हूँ और नहीं आया। और खाना हमारा इधर ही होना है। पहले हमने कहा था कि होटल पर जाएंगे खाने, लेकिन ये जो जिस होटल पर हम अभी रह रहे हैं, इन लोगों ने कहा कि हम खुद आप लोगों को खाना तैयार करके देंगे, आप इधर ही रुकें। खाना खाने के बाद हमने नारायण कागान जाना है। जैसे जैसे गया तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता रहूँगा। यह हमारा रूम था जहाँ हम रहे थे, और अभी फ़िलहाल जाने लगे। मैं भी तैयार हो चुका हूँ। मैंने ये ब्लैक रंग के कपड़े पहने हैं क्योंकि मुझे दोस्त फोर्स कर रहा था, उसने कहा कि नहीं यार हम ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमारे भी बना दे। हाँ ये भाई साहब बिलाल, बिलाल है, जाके जल्दी अभी जाना नहीं है। दोस्त ने फोर्स किया कि ब्लैक रंग के कपड़े पहन लो, मैं भी पहनने लगा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है पहन लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम नाश्ता के लिए जा रहे हैं, इधर पत्नी क्या मसला बन गया है, और सब लोग अपने अपने बैग्स रख रहे हैं वो गाड़ी में। और अभी फ़िलहाल हम जाएँगे नाश्ता करने के लिए, तो फिर उसके बाद जाएँगे नारायण कागान। अभी नाश्ता करने के लिए आए हैं, जितने भी पराठे थे सब खा लिए और सब अभी इंतज़ार कर रहे हैं। और आएँ और पराठे आएँ तो और खाएं, अब फिलहाल भूख मिटी नहीं है। 3-4 पराठे और आ जाएं तो अच्छा रहेगा। सेल भूख हटी कोई नहीं, इधर मुँह करके बता। हाँ 5 और खाएगा, चाय वगैरह यार जल्दी लेके आए ना, भूख बहुत लगी हुई है। अभी हम इधर पानी पीने के लिए रुके हैं। इधर को इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता। पीछे तो कुछ भी नहीं थे, इस बार जो इतने बड़े बड़े और हरियाले, शायद मेरे पीछे भी आप लोगों को नज़र आ रहे हों। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पानी पीने के लिए रुके हैं, लड़कों की तबीयत ख़राब हो रही थी। ये सामने देखें पहाड़, ये इधर होटल पर रुके हैं पानी पीने के लिए, फिर आगे चलना है। पत्नी सफ़र कब ख़त्म होगा, मैं तो बैठ बैठ कर तंग आ चुका हूँ। आजा कैमरा के दा। भाई साहब पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, और मेरी तो मुकम्मल तौर पर बस हो गई है। आप मेरी हालत देख सकते हैं, पसीने में पहाड़ बहुत ही हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। आप खुद कभी आए ना, आपको पता अंदाज़ा लग जाएगा कितने पहाड़। अभी फिलहाल पानी पीने के लिए इधर साथ मस्जिद है, उधर से पानी पी लें। उधर नेस्ले की बोतल लेनी थी लेकिन बस पता नहीं चला, और फ़ौरन से ऊपर बस चढ़ना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और अभी सांस भी फूल रहा है मेरा तो। कमाल है यार, पहले चढ़ा नहीं जा रहा था और अब ब्रेकें फेल हो गई हैं, रुकने के बावजूद भी बंदा नहीं रुक रहा, पाँव फिसल रहे हैं। वो सारे सामने हमारे टीम वाले जा रहे हैं। हमें लोग कह रहे थे कि वो जो पठान है ना, वो जीपों पर ऊपर जाते हैं। वो हमें कह रहे थे कि जीप एक बनवा लो, उस पर चले जाते। हमने कहा हम पेंडू लोग हैं, हम ऐसे ही चल लेते हैं, क्योंकि वो जीपों पर वो बैठ के जाते हैं जिनसे चला नहीं जाता होता, हम तो फिर कुछ भी कर सकते हैं।
नरान किना करा है क्या भला? आधा किलोमीटर, चार किलोमीटर, चार किलोमीटर। नरान अभी चार पाँच किलोमीटर रह गया, और इधर बड़ा सा झरना था जिससे पानी, हाँ चार किलोमीटर रह गया, बड़ा सा झरना था जहाँ से पानी नीचे बह रहा था। तो हमने कहा कि चलो रुक कर इंजॉय भी कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छी तरह। और नमाज पढ़नी थी लड़कों ने, लड़कों ने नमाज भी पढ़नी थी, वो नमाज भी पढ़ लें और हम दूसरा इंजॉय वगैरह कर लें। और हेलो, हाय हाय, ऊपर जा रहे हैं अभी, वो लड़के ऊपर चढ़े हुए हैं, हमने कहा हम क्यों पीछे रहें, कोई फोटोज वगैरह भी बना लेते हैं। एक मिनट में आप लोग को दिखाता हूँ पहाड़ इसके, सारे जितने भी हमारे टीम के हैं वो सामने खड़े हैं, फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे हैं, और कुछ लोग इधर पत्थरों के ऊपर चढ़ के नमाज भी पढ़ रहे हैं। ये ऊपर बादल देखें, बादल की वजह से पहाड़ पर छाँव आ चुकी है।